गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले वीडियो में हमने देखा था कि अंधेरी नगरी में किस तरह का राजा करता है, राजा किस तरह का न्याय करता है। वहाँ पर गोवर्धन दास और नारायण दास अपने गुरु के साथ आते हैं। वहाँ पर आने पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो सभी चीज़ें एक भाव से मिलती है, टके से भाजी, टके से खाजा। तो गोवर्धन दास को वहाँ रुकना अच्छा लगता है, क्योंकि अन्य नगरों में पूरा दिन घूमने पर भी भिक्षा नहीं मिलती, और यहाँ पर तो जो थोड़ी बहुत भिक्षा मिली है उसमें से भी वह पेट भर के मनपसंद खाना खा सकते, इसलिए वह यहाँ पर रुकना चाहता है। और गुरु जी ने कहा कि कभी भी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े या मुसीबत में हो तो मुझे बुला लेना, मैं अवश्य आऊँगा। ऐसा कहकर गुरु जी वहाँ से चले जाते हैं अपने नारायण, अपने एक शिष्य को लेकर। लेकिन गोवर्धन दास वहाँ पर रुकता है। अब दूसरे दृश्य में बताया गया कि एक बकरी मर गई है, उसके न्याय के लिए राजा के दरबार में बारी बारी से सबको बुलाया गया है। वहाँ पर सबसे पहले जो कल्लू बनिया था उसे बुलाया गया, उसके बाद कारीगर को बुलाया गया। वहाँ तक हमने पहले वीडियो में देखा था। अब आगे राजा किस तरह न्याय करता है वह हम देखेंगे। तो राजा ने कारीगर को बुलाया, फिर महाराज चुने वाले ने चूना खराब बनाया था इसलिए दीवार गिर गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो राजा ने कहा अच्छा, उसे चूने वाले को छोड़ दो, सॉरी कारीगर को छोड़ दो और चूने वाले को बुला लाओ। फिर कारीगर निकल जाता है वहाँ से और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा कि अरे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? तो चूने वाले ने कहा महाराज, बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इससे चूना कमज़ोर हो गया था इसलिए दीवार गिर गई। तो राजा ने कहा तो बिस्ती को पकड़ो और चूने वाले को छोड़ दो। बिस्ती को लाया जाता है वहाँ पर। राजा ने कहा कि अरे बिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? बिस्ती ने कहा महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया, कसाई ने मशक बड़ी बनाई थी इसलिए पानी इसमें ज़्यादा भर गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजा ने कहा अच्छा, बिस्ती को निकालो और कसाई को ले आओ, बिस्ती को यहाँ से निकाल दो और कसाई को पकड़ कर ले आओ। फिर नौकर बिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा ने कहा क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई कि ज़्यादा पानी भर गया और दीवार गिर पड़ी? तो कसाई ने कहा महाराज, गडरिये ने टके की एक बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। गडरिये ने एक बड़ी भेड़ मुझे बेची थी और उसके चमड़े में से मैंने मशक बनाई तो बड़ी बन गई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो राजा ने कहा अच्छा, कसाई को निकालो और गडरिये को ले आओ। फिर कसाई को भी वहाँ से निकाला जाता है और गडरिये को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा कि अरे गडरिये, ऐसी बड़ी भीड़ क्यों बेची? तो राजा ने कहा सॉरी, गडरिये ने कहा महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने बड़ी छोटी देखा नहीं और भीड़ का ख्याल न रहा और मैंने वही दे दिया, मेरा कोई कसूर नहीं है। कोतवाल की सवारी आने पर वहाँ भीड़ भाड़ हो गई सब, तो कौन सी बड़ी भीड़ है और कौन सी छोटी भीड़ है मुझे समझ नहीं आया, और मैंने बड़ी भीड़ उसे दे दी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो राजा ने कहा इसको भी निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भीड़ बेच दी? कोतवाल ने कहा महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा ने कहा कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे दृश्य में आप देख सकते हैं कि राजा किस तरह न्याय करता है। जब बकरी मर जाने की फरियाद लेके फरियादी आता है तो किस इसका कौन सही जिम्मेदार है यह सोचने की बजाय जो भी बात बताई जाती है उसे पकड़ कर ले आओ। और लास्ट में यहाँ पर आपने देखा
कि सबने एक दूसरे पर अपना आरोप धकेल दिया, तो लास्ट में कोतवाल को फांसी की सजा दी गई, देने का निश्चय किया। अब कोतवाल को फांसी देने के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। अब दूसरे दृश्य में देखते हैं कि होता है क्या। उससे पहले हम एक दो शब्दों के अर्थ लिख लें कि बिस्ती, मशक में भरकर पानी ढोने वाला, मशक में भरकर पानी ढोने वाला। भेड़ बकरी पालने वाला, भेड़ बकरी पालने वाला। पुराने 2 पैसे के बराबर का एक सिक्का, मशक चमड़े की खाल का बड़ा थैला, मशक चमड़े की खाल का बड़ा थैला। तो यहाँ पर हमने देखा कि बकरी मर जाने का इल्ज़ाम कोतवाल पर आता है। अब कोतवाल को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। सब सैनिक कोतवाल को पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं। तीसरे दृश्य में अब क्या होता है वह हम देखते हैं। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास आराम से बैठा बैठा वहाँ पर मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास गुरु जी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना कर दिया। वह सोचता है, मिठाई खाता है, आनंद से बैठा है, फिर सोचता है कि गुरु जी ने यहाँ पर हमें रहने से मना कर दिया, उचित नहीं था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े रहो। गुरुजी ने हमें यहाँ रहने से मना कर दिया तो इसमें हमारा क्या, खाते पीते यहाँ पर मस्त बैठे रहो और क्या। ऐसा सोचकर वह बैठे बैठे मिठाई खा रहा है। चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। चार सिपाही वहाँ पर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सिपाही ने कहा, चल चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मज़ा मिलेगा, आज तुझे मज़ा मिलेगा यार। ऐसा बोलकर उसे वहाँ से कुछ भी बताए बिना पकड़कर ले जाते। गोवर्धन दास ने कहा घबरा कर, अरे यह आफत वहाँ से कहाँ से आई। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे पकड़कर क्यों ले जाते हो। सिपाही ने कहा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, तुझे क्यों पकड़ कर ले जाते हैं। ये बात बताते हुए सिपाही ने उसे बताया कि कल कोतवाल को फांसी की सज़ा हुई थी। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। जब फांसी देने के लिए उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराजा से अर्ज की कि इस पर हुक्म हुआ कि
किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने का अपराध में किसी न किसी को तो सजा होनी जरूरी है, और नहीं तो न्याय न होगा, बकरी के साथ अन्याय होगा। तो सिपाहियों ने गोवर्धन दास को बताया कि कल बकरी मर गई थी, इसके अपराध में कोतवाल साहब को फांसी चढ़ाने का हुक्म हुआ था, लेकिन कोतवाल साहब दुबले पतले थे तो फांसी का फंदा जो था वह उन्हें बड़ा हुआ, तो जिसको भी वो आता है उसे सजा देने का हुक्म हमें राजा से मिला है, आप बड़े हट्टे कट्टे हो तो आपको ये फंदा आ जाएगा, इसलिए हम आपको वहाँ फांसी देने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो फांसी देनी ही पड़ेगी, नहीं तो बकरी के साथ अन्याय होगा। तो गोवर्धन दास ने कहा, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, मेरा कोई कुसूर नहीं है, फिर भी मैं मारा जाता हूँ, हे परमात्मा मुझे बचा लो, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, यहाँ तो कुछ सच झूठ देखा नहीं जाता, क्या सही है क्या गलत है वो भी नहीं देखा जाता, तो हे परमात्मा मुझे बचा लो, यहाँ तो बड़ा ही अंधेर फैला हुआ है, गुरु जी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अब उन्हें गुरु जी की बात समझ में आई, गुरु जी का कहना पहले तो माना नहीं था, फिर आज उन्हें गुरु जी की बात समझ में आई और कहता है कि गुरु जी आओ मुझे बचा लो, मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते, गोवर्धन दास चिल्लाता है और सिपाही उसे पकड़ कर ले जाता है, गोवर्धन दास की बात सिपाही सुनते नहीं है, गोवर्धन दास ने कहा हाय बाप रे मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। गोवर्धन दास बहुत ही मन में पछताता है कि मैंने गुरु जी की बात नहीं मानी, यहाँ पर रुका तो आज मुझे फांसी हो जाएगी, मैं बेकसूर हूँ, हाय बाप रे, वह ऐसा कहकर निश्वास नाकता है। फिर सिपाही ने कहा अरे चुप रहो, राजा का हुक्म भला कहीं डल सकता है, राजा ने कहा है कि जो बड़ा है उसे फांसी दे दो, तो आप बड़े हो तो आपको फांसी देनी चाहिए, तो राजा का हुक्म कोई डाल सकता है, फांसी तो तुझे देनी ही होगी, तो ऐसे चिल्लाना बंद करो। गोवर्धन दास ने कहा हाय मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का यह फल है। अब उसे मन में सही बात समझ में आई कि गुरु जी जो कह रहे थे वह सही था, मैंने यदि उनकी बात मानी होगी तो आज मेरी यह दशा नहीं होती, तो गुरु जी का कहना न माना उसी का यह फल है। गुरु जी आप कहाँ हो, बचाओ गुरु जी बचाओ, वह चिल्लाता है कि गुरु जी मुझे बचाओ बचाओ आप कहाँ हो। महंत ने कहा अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या स्थिति है। गोवर्धन दास वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, तेरी हालत ऐसे कैसे हो गई। गोवर्धन दास ने कहा हाथ जोड़कर, गुरु जी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, दीवार गिरने से बकरी मरी और यहाँ पर मुझे फांसी दी जा रही है, गुरु जी बचाओ मुझे बचा लो। महंत ने कहा कोई चिंता नहीं, धोबी चढ़ाकर सिपाहियों से कहा सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। गुरु जी ने कहा कि कोई चिंता नहीं, फांसी होती है तो होने दो। तो ऐसा कहकर सिपाहियों को कहा कि मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, मुझे उससे बातचीत करने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, गुरु जी का कहना मानकर सिपाही उसे छोड़ देते। गुरु जी चेले को कान में कुछ समझाते हैं और गुरु जी ने अपने शिष्य को कान में कुछ समझाया। महंत ने कहा नहीं बच्चा हम बूढ़े हैं हमको चढ़ने दो। गुरु जी ने कहा अब दोनों ने नाटक शुरू किया कि फांसी पर कौन चढ़ेगा। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं हम बूढ़े हैं हम तुमसे बड़े हैं बुजुर्ग हैं तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। इस प्रकार दोनों नहीं बच्चा हम बूढ़े हैं तो हमको ही फांसी चढ़ने दो, इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं, सिपाही चकित हो जाते हैं या उसे आश्चर्य होता है कि मरने के लिए दोनों तैयार हो गए, गुरुजी भी और शिष्य भी और दोनों के बीच ऐसी चर्चा हो रही है। राजा ने बहस करते हैं, सिपाही परस्पर चकित होते हैं, राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं, राजा मंत्री और कोतवाल तीनों वहाँ पर आते हैं। राजा ने कहा यह क्या गोलमाल है, यह क्या गोलमाल चल रहा है। सिपाही ने कहा महाराज
चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा। फिर वहाँ पर दोनों मैं चढ़ूंगा फांसी पर मैं चढ़ूंगा ऐसा गोवर्धन दास और गुरु जी के बीच चर्चा चर्ची चल रही है। वहाँ पर से राजा आते हैं और वो पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तो सिपाही ने बताया कि महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु जी कहते हैं कि मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि बात क्या है। राजा ने कहा गुरु से, बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो। महंत ने कहा राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा को बताया गुरु जी ने कि इस ऐसी शुभ घड़ी में अभी मुहूर्त अच्छा है, इस घड़ी में जो कोई भी मरेगा वह सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो मंत्री ने कहा तब तो हम फंस जाएंगे, फांसी चढ़ेगी। तो मंत्री जी ने कहा कि तब तो हम फांसी चढ़ेंगे क्योंकि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। गोवर्धन दास ने कहा नहीं, हमको हुक्म है। गोवर्धन दास ने कहा कि फांसी चढ़ने का हुक्म हमें मिला है तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। कोतवाल ने कहा हम लटकेंगे। कोतवाल भी वहाँ पर खड़ा था तो वह भी तैयार हो गया कि हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी, हमारे कारण ही दीवार गिरी थी तो हम फांसी पर चढ़ेंगे। राजा ने कहा चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, राजा ही स्वर्ग जाएगा, राजा के जीते जी और कोई स्वर्ग जा सकता नहीं, इसलिए हमको फांसी चढ़ाओ। राजा ने ये सारी लोगों की फांसी चढ़ने की जो तत्परता थी वह देखी तो राजा के मन में भी स्वर्ग जाने का लालच जागा। और कितना मूर्ख है उसे ये भी पता नहीं है कि यहाँ से मरने पर कोई सीधा स्वर्ग नहीं जाने वाला, तो फिर भी उसे इतनी बात समझ में नहीं आती और फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। जल्दी जल्दी करो, शुभ घड़ी निकल न जाए, मुझे जल्दी से फांसी पर चढ़ाओ। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। आप देख सकते हैं कि मूर्ख होने के कारण उसकी क्या दुर्दशा होती है। और जो भी व्यक्ति ऐसे मूर्ख राजा के नगर में मूर्ख प्रजा के बीच रहना चाहता है उसकी भी यही हालत होती है, गोवर्धन दास जैसी हालत होती है। यदि वहाँ पर गुरुजी नहीं आते तो गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ गए होते। इसलिए हमें इस एकांकी से प्रेरणा मिलती है कि कभी भी मूर्खों के बीच हमें रहना चाहिए नहीं, समझदारी से वहाँ से हमें निकलने में ही हमारी भलाई है। चुने हुए बाल एकांकियों में से यह एकांकी ली गई है। अब कुछ शब्दों के अर्थ है वह हम देख लेते हैं कि मशक हो गया, कसुर दोष, कसुर दोष, उज्जत बनी, फरियादी न्याय मांगने वाला, न्याय मांगने वाला, न्याय मांगने वाला, सबब कारण, सबब कारण, अंधेरी नगरी चौपट राजा, कर्तव्य भ्रष्ट शासक
के राज्य में सदा कर्तव्य भ्रष्ट शासक राज्य में सदा टके से बाजी टके से टके से बाजी टके से टके से बाजी टके से भाजा था जहाँ अव्यवस्था तथा लूट जहाँ अव्यवस्था तथा अव्यवस्था तथा लूट खसूट लूट खसूट बोलबाला रहता है बोलबाला रहता है बोलबाला रहता है। तो यहाँ पर जितने भी शब्द आप लिखते हैं वो आपको तैयार भी करने हैं साथ में, और प्रश्नों के उत्तर भी आपको साथ में तैयार करने हैं। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखें स्वाध्याय के। महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया? तो महंत ने नगर की असलियत जानने पर वहां से जाने का फैसला लिया। अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? तो अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा टके से बिकते थे। कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? तो कसाई ने भेड़ गडरिये से मोल ली थी। महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? तो महंत ने गोवर्धन दास को सलाह दी कि जिस नगरी में टके सिर भाजी और टके सिर खाजा मिलता हो ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, तो तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, यह नगर हमें छोड़ देना चाहिए। राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गए? जब राजा ने देखा कि मरने के लिए कोतवाल महंत और गोवर्धन दास सभी और मंत्री सभी तैयार हो गए, तो कारण पूछने पर पता चला कि महंत ने बताया कि जो इस शुभ घड़ी में मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तो राजा के मन में भी स्वर्ग जाने की लालच पैदा हुई और वह फांसी पर चढ़ने के लिए तुरंत तैयार हो गया। यहाँ पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते, तो यथा समय या क्षण पर, तो इसमें आएगा क्षण पर। तो महंत अंधेरी नगरी में क्षण पर रहना नहीं चाहते। मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं, तो इकट्ठा होकर या यथास्थान, तो इकट्ठा होकर यथास्थान बैठे है, यथास्थान आएगा। कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली? तो मिठाई के सवारी, तो सवारी आएगी कि कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। चार नंबर में आएगा मुझे अपने खलजग्या को अंतिम उपदेश देना है, तो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। फिर सूप कड़ी में जो मरा सीधा
महल जाएगा या स्वर्ग जाएगा? तो स्वर्ग जाएगा। सुख घड़ी में जो मरा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तो हर जगह भी आपको लिखनी है। यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द है, न्याय मांगने वाला तो फरियादी, चमड़े की खाल का बड़ा थैला तो मशक, मिठाई बेचने वाला हलवाई, तरकारी बेचने वाली स्त्री तो कुंजड़ी, भेड़ बकरी चराने वाला तो गडरिया। तो शब्द समूह के लिए यहाँ पर जो पांच प्रश्न दिए वह भी आपको लिखने हैं, खाली जगह भी आपको लिखनी है। पहले खाली जगह में यथा क्षण पर आएगा, दूसरे में यथा स्थान आएगा, तीसरे में सवारी आएगी और चौथे में ऑप्शन नहीं दिए यहाँ पर, लेकिन मुझे अपने शिष्य को आएगा वहाँ पर, और पांचवे में स्वर्ग जाएगा आएगा। ओके, तो इस तरह आपको प्रश्न नंबर 1, 4 और 5 होमवर्क में लिखने हैं, और बाकी के जो 2 और 3 दूसरा और तीसरा जो प्रश्न है वह आपको तैयार करना है लेकिन लिखना नहीं। ओके, थैंक यू।